शुरू करें? हाँ सर, सर बंगाल में आज जो ग्राम पंचायत के चुनाव हो रहे हैं उसमें हिंसा का तांडव हो रहा है। अभी तक एक दर्जन से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और बड़ी संख्या में लोग घायल हैं। ममता जी, आपने अपने बंगाल को कहां पहुंचा दिया? एक समय बंगाल लोकतंत्र की जननी थी, राष्ट्रीय जागरण का केंद्र था। सुभाष चंद्र बोस का बंगाल, पूज्य रविन्द्रनाथ टैगोर का बंगाल, ईश्वरचंद विद्यासागर का बंगाल। कोई चुनाव होगी तो लाश गिरना जरूरी है क्या? और ममता जी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि पहले बिहार सहित बाकी प्रदेशों में भी बहुत लाशें गिरती थी, अब तो चुनाव आयोग की सख्ती के कारण वो काफी कम हो गया। आपके यहां भी लोकसभा के चुनाव होते हैं तो चुनाव आयोग की सख्ती के कारण हिंसा थोड़ी कम होती है, लेकिन जब आपकी सरकार ग्राम पंचायत का चुनाव करवा रही है तो क्या हो रहा है और कितने लोग मारे जाएंगे, क्यों मारे जाएंगे? सेंट्रल फोर्सेस को भी कायदे से काम नहीं करने दिया जा रहा है, कोई सहयोग नहीं मिल रहा है जमीन पर। ममता जी की पुलिस एक प्रकार से पॉलिटिकल आउटफिट के रूप में काम करती है, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो कुछ ईमानदार प्रभावी पुलिस वाले हैं उनको उचित प्रोत्साहन नहीं मिलता या काम कर नहीं दिया जाता। ममता जी, आपकी पार्टी के लोग भी माने जा रहे हैं ना, क्योंकि आपकी भी पार्टी के गुटों में काफी संघर्ष है ऐसा हमें बताया गया, और ये जमीनी खबर भी है। लेकिन इस हिंसा के तांडव को कब रोकेंगे आप? इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बीजेपी कंडेम्स आउटराइट दिस रेकलेस वायलेंस इन बंगाल इन द ग्राम पंचायत इलेक्शन। भारतीय जनता पार्टी आज के चुनाव में इस हिंसा के तांडव की घोषणा करती है। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात हमें कहनी है, जब पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो रही है तो ममता जी, आप बैलेट बॉक्स ले आए, आपके अंदर में जो चुनाव करवा रहे हैं, आप लोग के दबाव में बैलेट बॉक्स फिर आ गया। जो बैलेट बॉक्स अतीत हो गया था, बटन दबाइए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर, आपकी वोटिंग रिकॉर्ड होगी। अब आप बैलेट बॉक्स ले आए और फिर वही पुरानी परंपरा कि बैलेट बॉक्स को छीना, उठा के कहीं तालाब में फेंक दिया, किसी बैलेट बॉक्स में इंक डाल दिया, ताकि जिसको जितने वोट मिले ऐसा समाप्त हो जाए। ममता जी, आपकी सरकार के लोकतांत्रिक कमिटमेंट का टेस्ट हो रहा है। ममता जी, द वेरी डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स ऑफ योर गवर्नमेंट इज अंडर सीरियस टेस्ट। किस बात पर आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ आरोप लगाती हैं? विपक्षी दलों को एक करने की बात करती हैं कि लोकतंत्र का हनन हो रहा है मोदी जी की सरकार में? लोकतंत्र का हनन ममता जी आपके सरकार में बंगाल में हो रहा है, और सारी विपक्षी पार्टियां चुप हैं, कांग्रेस के लोग भी मारे गए हैं, वामपंथियों पर भी हमला हुआ है। लेकिन कमाल है, क्या वामपंथी पार्टियों के राष्ट्रीय नेता हो या कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता हो, चुप है। ये है आपके दोहरे चरित्र, दिस इज योर डबल स्टैंडर्ड। बेबुनियाद आधारहीन आरोप लगाना नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ और अपने अगुवाई में बंगाल में खुलेआम हिंसा का तांडव करना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम एक ही बात कहना चाहेंगे, ममता जी, बंगाल की जनता देख रही है और
जब कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंसा का तांडव करता है या करवाता है तो इसका संदेश यही जाता है कि जनता इनका इनकी विदाई जल्दी ही करना चाहती है और आपके इस आचरण के कारण लोकतंत्र तो बहुत शर्मसार हुआ ही है, बंगाल की गौरवशाली जनता को भी बहुत दुख लगा है। हमें पूरा विश्वास है कि उचित कार्रवाई होगी लोकतंत्र के हिसाब से अगले चुनाव में। एक बात हम स्पष्ट अपील करना चाहेंगे कि काउंटिंग ठीक से होनी चाहिए और जिन लोगों ने चुनाव की प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो हम लोग खुद ही देखते हैं कि बहुत से उम्मीदवार तो सुरक्षा के घेरे में घर से भागे हुए हैं, इंतजाम नहीं कर पा रहे। ये बहुत पीड़ादायक है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके हम भ्रष्टा करते हैं। सवाल क्या सवाल ममता ने कहा था कि लोकतंत्र 2024 साल पूरी सरकार आई लोकतंत्र खत्म हो गया और वही लोकतंत्र को बेला जा रहा है। ये सवाल आप ममता जी से पूछिए, मैंने उठाया है ऑलरेडी। जिस लोकतंत्र के खतरे की आशंका वो प्रधानमंत्री को लेकर आरोप के बारे में बोलती है मोदी के खिलाफ, वो खुद उनकी सरकार में क्या हो रहा है बंगाल में दिखाई पड़ रहा है। लोकतंत्र का खतरा ऐसी सरकारों से है जो लोकतंत्र का नाम लेते हैं और लोकतंत्र की सारी प्रक्रियाओं को समाप्त करने की कोशिश। सर, टीएमसी ऑल्सो अलेजिंग दैट देयर ऑल्सो you know tampering of votes and also ballot boxes have been tampered by BJP also. They are putting up a lot of videos and also saying that the central forces are used by BJP in the elections. How do you react this to by itself is a very very baseless comment, a comment of desperation. Our report suggests that the central forces are not being allowed to operate freely to ensure a free and fair elections, and that's the reason you are serious. And there's a lot of tussle interstate between the